हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्लीज जॉइन अस। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का हिंदी संवाद, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। इस समय हम लोग चैप्टर 16 शुरू करने वाले हैं। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हरे कृष्णा, लेट्स गेट स्टार्टेड। अध्याय 16 टाइटल है दैवी तथा आसुरी स्वभाव, the divine and demonic nature. हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, निच्छान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हे प्रतापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने वाले हैं। हे पांडव पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्म हो। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। जो आसुरी हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी तथा भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद तथा एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान या सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर
वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अघम गति को प्राप्त होते हैं। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार कर्मशः परम गति को प्राप्त होता है। जो शस्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है, हो पाती है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्मशः ऊपर उठ सके। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण, वी जस्ट फिनिश्ड चैप्टर 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। अब हम लोग चैप्टर 17 पढ़ेंगे। हाँ, तो हम लोग आपका सबका अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी उच्चारण पढ़ रहे हैं, हिंदी ट्रांसलेशन। हम लोग अब चैप्टर 17 अध्याय 17 शुरू करेंगे। टॉपिक है श्रद्धा के विभाग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों से अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा
हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्ती, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा एंड अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की चिंता नहीं करते। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यही वाणी की तपस्या है तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी, रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। मूर्तावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी, राजस कहलाता है। तथा जो दान किसी पवित्र स्थान में अनुचित समय में, किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान या तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये 3 सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं। हे पार्थ,
श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा कर्म के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अन्य जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत परिपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। वी जस्ट कंप्लीटेड, हम लोगों ने अभी हिंदी उच्चारण 17वें अध्याय का समाप्त किया है। इसका टॉपिक था श्रद्धा के विभाग। अब हम लोग 18वां अध्याय, आखिरी अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्ण, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप ऐसे किसका हिंदी उच्चारण पढ़ रहे हैं। सुनील कुमार राम मीना हरे कृष्णा संतोष अठनिकर मोना नगरकर लैब रॉय सिमी अरोड़ा ब्रजेश मित्तल राजेश कुदक्याल लेखनाथ भेटवाल शालिनी सुरेश शर्मा रविंद्र बसक पप्पू हरे कृष्णा विनय कुमार नीति पाटिल संजीव कुमार विश्वजीत चटर्जी राजू सिंह आकाश एके और सभी को बहुत बहुत वेलकम। अब हम चैप्टर 18 आखिरी चैप्टर पे आ गए हैं। जीव तत्व प्रभु आज संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो आइए अब हम चैप्टर 18 पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। प्लीज जॉइन अस। अध्याय 18 टॉपिक है इसका, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने को का इच्छुक हूं और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझ कर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दुल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति तथा फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नित्य कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग कर देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नित्य कर्तव्य को कारणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। नहीं देवव्रता, सॉरी, निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है,
लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन तथा वाणी से जो भी उचित तथा अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फल स्वरूप होता है। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग हिंदी का उच्चारण पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का। अभी हम लोग अध्याय 18 पे हैं। उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। वर्स 19। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही विभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक मानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह से के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है, कहा जाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता से अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है,
वह तमोगुणी कहलाता है। ए धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या कारणी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार से वशीभूत होकर अधर्म को धर्म एंड धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसीय है। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह से के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष्तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों में उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। प्रत्येक उद्योग, प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता,
वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार मिथ्या शक्ति मिथ्या गर्व काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कुमार पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठ समस्त जीवों की को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, हम लोग प्रिय भक्तजनों हिंदी अनुवाद कर रहे हैं भगवद गीता यथारूप का। हम लोग अभी 18वें अध्याय पे हैं, आखिरी अध्याय है इसका, और उसमें हम लोग अभी 61st वर्स का हमने पढ़ा। बहुत ही फेमस वर्स है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशयजन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे वर्स 62 से। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाग को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे,
मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बतलाया जाए जो न तो संयमी है, न एक निष्ठ, न भक्ति में रत है, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। और जो श्रद्धा, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे, इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुंह से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति के भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद्गीता के 18वें अध्याय उपसंहास संन्यास की सिद्धि का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। वी जस्ट कंप्लीटेड श्रीमद् भगवद्गीता का हमने हिंदी में जो अनुवाद था, हिंदी ट्रांसलेशन, वो हमने अभी अभी कंप्लीट किया। हरे कृष्णा। होप यू लाइक इट। प्लीज लिसन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो, हम लोगों को भी इसका फायदा मिले, इसका इससे जो हम लोगों को शुद्धि मिलती है, हम लोगों को जो शांति मिलती है, उसको बांटने से हम लोगों को जो आनंद मिलता है उसको फैलाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच आप लोग का ज्वाइन करने से। आप सबका अभिनंदन है, आप लोगों का स्वागत है। एंड अगेन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।